दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। ये है मेरा एक खास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी टप्पू। उस शाम मैंने दुकान जल्दी ही बंद कर दी थी। घर पहुंचा तो देहरी पर एक 5-6 साल का बच्चा बैठा था, मुझे देखते ही खड़ा हो गया। कौन हो आप, अंदर क्यों आ रहे हो? उसने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया। मेरी छोड़, तू कौन है बच्चे, और मेरे घर के सामने काहे बैठा है? मैंने भी रौब झाड़ा। आपका घर तो और है, ये तो पम्मी आंटी का घर है, और मेरा नाम टप्पू है। उसने गर्दन ऊंची की और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। तेरी पम्मी आंटी का हस्बैंड हूं, परे अटपुतर जाने दे। नहीं जाने दूंगा। और ये हस्बैंड क्या होता है, आंटी का तो अंकल होगा, आप अंकल हो क्या? वो जैसे लड़ने का मूड बनाने लगा। किससे उलझ रहा है टप्पू? पम्मी रसोई से बाहर आ गई। उसने टप्पू की निक्कर की जेब में लड्डू रखे और वो पम्मी को चूम के भाग गया। जाते जाते मुझे एक नजर ऐसे देखा जैसे धमकी दे रहा हो। ये लड़ाकू विमान कौन है भाई? पीले मकान में नई किराएदार आई है, उसी का लड़का है। बस दो ही हैं, माँ बेटा। पम्मी ने मुझे चाय थमा दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैदान के उस पार टप्पू एक तितली के पीछे दौड़ रहा था। वीर जी का फोन आया था, डिनर पे बुलाया हमको। क्या कहूँ, पम्मी ने हिचकते हुए पूछा। कहना क्या, मना कर देना पम्मी, वहाँ तो लोग पैग पे पैग बनाते हैं, हमने नहीं जाना। उस जहर से पिंड छुड़ा के 6 साल हो गए, जो कीमत चुकाई वो कम थी क्या? मेरे लफ्ज हलक में अटक गए। पम्मी ने मेरे कंधे पर सर टिका दिया। जितना उस हादसे को दफनाने की हम कोशिश करते, वो सर निकाल कर बाहर आ ही जाता था। हाईवे की वो तेज रोशनी, मेरी टैक्सी में बजता वो तेज गाना, गाड़ी की स्पीड, हमेशा की तरह शराब पेट में पनप रही थी, माथे चढ़ गई थी। इतनी शराब पीकर तो मैंने रात रात गाड़ी चलाई थी, और एक बोतल से इतने बड़े शरीर में क्या असर होना था, ऐसा ही तो सोचता था मैं। मैंने एक्सेलरेटर पर पांव रखा और गाड़ी भगाई। सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, दूर थी। मुझे लगा था मैं आराम से निकाल लूंगा, एक्सपर्ट ड्राइवर हूं, सालों से हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूं। मैंने आंखें सड़क पे गड़ा दी और तभी लगा कि मोटरसाइकिल पास थी। मैंने हड़बड़ा के ब्रेक पे पांव मारे, पर तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी से उतरा तो देखा कि पहिए के नीचे एक मोटरसाइकिल थी। कमीज का एक बटन था, एक चश्मा जिसका चूरा हो चुका था, और एक गिफ्ट पेपर से झांकता खिलौना। शराब ने मुझे एक पल में खूनी बना दिया था। उस दिन के बाद मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, न शराब को छुआ, और उस दिन के बाद कभी नींद भी नहीं आई। आज फिर मैं और पम्मी वो हादसा याद करते रहे, फिर उसे भुलाते रहे। बड़ा मुश्किल काम था। अगली शाम मैं घर लौटा तो टप्पू फिर से मेरे आंगन में खेल रहा था। कमीज की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए उसने मुझे आवाज लगाई। ओ पम्मी आंटी के हस्बैंड, इधर आओ, ये टैक्सी आपकी है। उसने बाहर खड़ी टैक्सी की तरफ उंगली उठा रखी थी। मेरी बीवा पर तो कब्जा कर लिया तूने, अब टैक्सी भी चाहिए दी है। आपकी है तो उसे चलाते क्यों नहीं, मैं तो दुकान चलाता हूं। मैंने हंसते हुए कहा। दुकान भी कभी चलती है? चलती तो टैक्सी है। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वो मेरा टीचर हो और मैं कोई बदमाश बच्चा। वो टैक्सी मेरा खिलौना है, मेरे प्यो ने मना कर दिया उसको हाथ लगाने को। तेरा प्यो तेनू मना नहीं करता? टप्पू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे तो पापा जी हैं ही नहीं। बीजी कहती है वो एक बार वो हाईवे से जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, फिर रास्ता भटक गए ना, तो बहुत दूर चले गए, आसमान तक, और वहाँ तो लोग तारा हो जाते हैं, है ना? लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते, सिर्फ बड़ों से करते हैं। वो देखो। उसने मेरी उंगली पकड़कर आसमान की ओर उठाई और सबसे चमकीले तारे पर जैसे रख दी। मैंने उसका हाथ छुड़ाया और घर में चला आया। दरवाजा एक झटके में बंद कर दिया। दीवार से लगकर मैं वहीं बैठ गया। पम्मी दौड़कर चली आई, माथे का पसीना पोंछने लगी।
मैं नन्हे बच्चे की तरह उसकी गोद में घुसकर रोने लगा, सिसक सिसक कर रोता रहा। वो पूछती रही, सर पे हाथ फेरती रही। टप्पू खिड़की से मुझको देखे जा रहा था। ये उसी आदमी का बच्चा था या नहीं, ये मैं नहीं जानता था, न जानना चाहता था। मेरे जैसे ही किसी शराबी ने इसके सर से भी बाप का साया खींच लिया होगा। जेल जाकर सजा भोग कर भी ये बोझ दिल से उतरता थोड़े है, मेरा कहां उतरा था। मेरे हवास जाते रहे, पम्मी मुझे थपकती रही। मैं अगली दोपहर थाली पर बैठा तो टप्पू खिड़की से झांक रहा था। मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। रोटी खाएगा? मक्के की है, गुड़ के साथ। वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, मुझे टैक्सी चलानी है, सिखाओगे? मैंने उसको अपने सीने से भींच लिया और बोला, तू खूब पढ़, आगे पढ़, कई कई टैक्सियों का मालिक बनना। टप्पू को शायद मेरी बात कुछ समझ नहीं आई, पर वो झुका और मेरे गाल पर एक पप्पी देकर भाग गया, जैसे अपनी पम्मी आंटी को प्यार करता था। मेरी जुबान पर रखा गुड़ भीतर की कड़वी याद को धीरे धीरे कम कर रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी टप्पू। क्या आपके हाथों से भी शराब पीकर हुई है ऐसी कोई गलती, या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है? बताइए मुझे, कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonsvelove@gmail.com पर, यानि poisonswelove@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonsvelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में, जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।